नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेम सिंह यूट्यूब सिरसा चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डेल के GTA मॉडल की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, हमें अपने चैनल को चलाने के लिए एक बेहतरीन प्रोफेशनल लैपटॉप की रिक्वायरमेंट थी, जिस लैपटॉप के जरिए हमें बेटर CPU, बेटर GPU और बेटर RAM, बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। आज हमारा लैपटॉप, पहले हमारे पास जो लैपटॉप था यूट्यूब चैनल पे काम करने के लिए, उस पर हम एसर का लैपटॉप यूज़ करते थे। नॉर्मल i3 प्रोसेसर था, 4GB रैम थी, नॉर्मल सा लैपटॉप था। तो अभी हम लेकर आए हैं मार्केट से डेल का नया गेमिंग लैपटॉप। वैसे हमें गेम नहीं खेलना, गेम के हम खिलाफ है, गेम से कोई बेटर नहीं होता, बट हम लेकर आए हैं गेमिंग के लिए नहीं, यूट्यूब चैनल के लिए। तो हमें वीडियो एडिटिंग करनी होती है, 30 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो और फुल 4K क्वालिटी के अंदर। इतनी बड़ी वीडियो को कन्वर्ट करने में पूरी पूरी रात, 7-7-8-8 घंटे हमें एक वीडियो पे लग जाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेते हैं डेल का लैपटॉप और अब हम करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसके साथ आपको बता दें, हम इसे ऑनलाइन नहीं लिया अमेजोन वगैरह से, इसको हमने बाय किया है। अमेजोन पर हमने सर्च किया था, ये थोड़ा कॉस्टली जा रहा था, हमने इसे बाय किया डेल के अप्लाई शोरूम। मैं सिरसा सिटी हरियाणा में रहता हूँ, यहाँ पे हमने डेल के शोरूम से इसको बाय किया। तो ये इसके साथ हम सामान मिला है, एक हमें मिला है लैपटॉप बैक जो बेहतरीन अच्छा है 3D डिज़ाइन के साथ, एक हमें ये जिसमें लैपटॉप आया डेल का, और एक हमें कीबोर्ड और माउस वायरलेसली मिली है। तो ये हमें लैपटॉप मिला है डेल के रूप में। आप हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। तो ये लैपटॉप है, इसको हमने शॉप पर ओपन कर लिया था विंडो की टेस्टिंग के लिए। तो ये आपको बता दें, ये लैपटॉप है, MRP है इसका 93,526 rupees ऑल GST इंक्लूड। तो ये लैपटॉप है जो जिसका MRP है 93,526 rupees। ये हमें डेल के एक्सक्लूसिव शॉरूम से हमने लिया है, डेल शॉपी सिरसा में है हमारे यहाँ, वहाँ से हमने इसको लिया है। तो ये लैपटॉप है, एक उसी ने इसके साथ हमें ये डेल का कीबोर्ड माउस दिया, वायरलेस किट है, और ये एक बेहतरीन सा लैपटॉप बैक दिया 3D डिज़ाइन के साथ। जैसे इस पर लाइट पड़ती है, तकरीबन डेल शोरूम इसकी कीमत बता रहे हैं, इसकी है MRP भी होगा। इसकी गेमिंग लैपटॉप के साथ आई थिंक कैरी बैग नहीं आते हैं, जितने भी गेमिंग लैपटॉप हैं उनके साथ कैरी बैग नहीं आते। तकरीबन इसमें चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस पर जो रेट है वो है तकरीबन, दुकानदार बता रहा था 2,000 से 2,500 के बीच में, 2,388 rupees ये इस पर रेट है। तो ये लैपटॉप बैग हमें दुकानदार ने हमारे डेल शोरूम के थे मोहित मेहता जी, उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, एक कीबोर्ड माउस और एक कैरी बैग जो इस मॉडल के साथ नहीं आता है, ये चीज़ें उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी है। कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या दी है, इतना कॉस्टली लैपटॉप है तो उसके साथ उन्होंने दे दिया। हाँ, इसके साथ हमें एक स्क्रीन गार्ड भी दिया है, दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन गार्ड दिया है डेल का, ये हमारे साथ आया। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो देखिए, तो ये है डेल का i5 प्री इंस्टॉल आया, 8GB रैम एंड 4GB ग्राफिक कार्ड, 512GB SSD के साथ। मैं एक्चुअली सिंगल ही हूँ, कैमरा भी पकड़ना है, इसकी अनबॉक्सिंग भी करनी है। तो ये लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप हो रहा है तो थोड़ा इसका लुक गेमिंग डिज़ाइन में है, ब्लैक कलर का। आजकल बहुत स्लिम लैपटॉप आते हैं, स्मॉल से
G5 डेल G5 है, ये इसके दो बिग CPU फैन है, क्योंकि एक कॉमर्शियल लैपटॉप की तरह यूज़ होता है गेमिंग के लिए भी, और जब हम कुछ हाई प्रोफेशनल काम करते हैं तो ये रहा बैक साइड से इसका ऐसा कुछ लुक है। देखिए बेहतरीन कलर के साथ बेहतरीन क्वालिटी। तो ये है डेल i5, मॉडल नेम है G5, एक इसमें G3 भी था, वो था प्लास्टिक बॉडी में, जैसा आपको पता होगा इसमें नॉर्मल लैपटॉप भी ऐसे थे इंस्पायरो एंड वोस्ट्रो, इस तरह के दो कोड आते हैं, एक प्लास्टिक बॉडी के साथ होता है एक मेटल बॉडी के साथ। ये हमारे वाला मॉडल मेटल बॉडी में है G5। इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो भी थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का है, NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है इसमें विद GTX टेक्नोलॉजी। इसमें चॉक नहीं होता, प्रोसेसर GPU जो होता है वो चॉकिंग नहीं यूज करता। तो ये है डेल का G5। अगर हम लाइट बंद कर दें कमरे के तो इसके कीबोर्ड का लुक बड़ा ही अच्छा है, ये देखिए बेहतरीन कीबोर्ड ब्लू कलर। लाइट में अगर आपने रात को लाइट में काम नहीं करना तो बेटर है इसके साथ। ये डेल का G5 मॉडल है, काफी अच्छा है, डिस्काउंट भी दिया हमने HDFC बैंक के थ्रू, हमारा इंफीनिया क्रेडिट कार्ड यूज किया जिस पर हमें इसकी MRP पे 5% अनलिमिटेड अप टू के साथ कैशबैक आएगा, और इस पर डिस्काउंट भी है। इसके जो प्राइस मैंने आपको दिखाया ये उस प्राइस से नीचे आया है, ये केवल हमें दिया गया है आल GST आल चार्जेस मिला के दुकानदार से 84,000 लमसम 84,000 रुपये का ये हमें पड़ा है। इसकी रैम अभी हम अपग्रेड कराएंगे, 8GB इसके अंदर है, उससे भी हमारा काम चलता है, कोई इशू नहीं है, पर हम इसकी रैम कर देंगे केबल 32GB 32GB रैम हम इसमें इंस्टॉल करवा देंगे, 16GB की दो रैम हम इसमें और इंस्टॉल करवा देंगे। ये लैपटॉप अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो ग्राफिक है वो भी फुल HD के अंदर बताया गया है, और फुल HD ग्राफिक है इसके अंदर, और शायद कैमरे में हम नहीं दिखा पाएंगे या हाई रेजोल्यूशन में क्वालिटी चलती है, बड़ा ही सॉफ्ट है, नॉर्मल से चल रहा है। तो यह हम आप देखना चाहें तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इंटेल कोर i5 2.5 GHz 8GB रैम 64-bit प्रोसेसर 64-bit विंडोज एंड इसमें टच बटन की फैसिलिटी है, टच कीबोर्ड सेंसर भी इसमें लगा हुआ है, आप इसका फिंगर लॉक भी लगा सकते हैं जो विंडो 10 का टूल्स है उसके जरिए, और इसमें विंडो होम इंस्टॉल आई है, ऑफिस 2019 प्री इंस्टॉल इसके साथ हमें दिया गया है, जिस पर आगे वीडियो आएगी कि कैसे वो ऑफिस को एक्टिवेट कर सकते हैं हम। और इसके साथ हमें इसमें अभी मैं आपको टेक्निकली इसमें दिखा देता हूँ GPU और उसकी परफॉर्मेंस, टास्क बार से कंट्रोल अल्ट अगर हम डेल कनेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टास्क मैनेजर, यहाँ से मैं इसकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ।
अभी इस पर कोई लॉट नहीं है, बिल्कुल हमने डब्बा बंद अभी ही ओपन किया है। तो ये इसकी डिटेल्स है, देखिए इसमें सीपीयू है, तकरीबन 1% यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये हैवी गेम्स, हैवी सॉफ्टवेयर तो बड़ी ही इजीली चलाने के लिए होता है। मेमोरी है 7.8, कुछ वो रैंडमली यूज होती है। इसमें SSD है, तो इसलिए सी पार्टीशन ही बना हुआ है 512 GB का। इसमें जो दूसरा मॉडल है उसमें थी 256 SSD एंड 1 TB नॉर्मल। तो हम USB पे बैकअप डेटा स्टोर करते हैं, तो मोस्टली हमें जरूरत नहीं पड़ता उस चीज़ का, बैकअप या स्टोरेज का, तो मैंने वो लिया नहीं। बाकी तकरीबन 2500 रुपीज़ देखे हम इसमें 1 TB या कुछ और पैसा देखे 2 TB का स्लॉट है, जितने भी आप चाहो नॉर्मल हार्ड ड्राइव इसमें प्लग करवा सकते हो। GPU इसमें इंटीग्रेटेड USD है, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन ग्राफिक का, एंड देन NVIDIA का GTX, NVIDIA नॉर्मली GTX GPU इसमें लगा हुआ, 4 GB रैम के साथ इसमें लगा हुआ है। तो ये हमारा लैपटॉप आ गया, इससे अगर भगवान ने चाहा हमारे चैनल का TRP आया तो हम आगे नेक्स्ट जो लैपटॉप लेंगे वो एप्पल में लेंगे, i9, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए होगी। तो ये एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी पड़ती है, तभी हम अगर हम खर्च करेंगे तभी तो कमाएंगे। तो ये GTA 5 मॉडल, ये इसका लॉगो, खुद का गेमिंग का GTA 5। अभी तो हमने शुरुआत की है, हम बहुत कुछ लेंगे डेल का लोगो वेबसाइट से। ये हमारा वायरलेस कीबोर्ड माउस डेल की तरफ से, ये सारे प्रोडक्ट पर बनी है, वारंटी है ऑन साइट, और इसको कुछ कॉस्टिंग पे करके हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ये चार्जेस अगर हम दे दें। इसलिए मैंने मुझे बताया था 1700 रुपये दे दीजिए। ये तकरीबन MR भी आपको दिखा दें, 1999 2000 रुपीज़ का है, पर मैं MRP ज़्यादा है, मार्केट में 1200-1300 रुपये में मिल जाती है। ये दुकानदार ने हमने कॉम्प्लीमेंट्री ही हमें ये किट दे दी। इसका बैग भी अच्छा खासा शानदार है, ये देखिए 3D लुक के साथ अच्छा बैग है इसका। और ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए अच्छी जेबें हैं, कलरफुल, तो बेटर चीज़ है। अभी देखते हैं भगवान ने चाहा तो कैसा इसका आउटपुट आएगा, कैसा लुक आएगा, और फिर से आपको दिखा दें। GTA 5 कोर i5, हम कोर i7 भी लेने जा रहे थे, बट मैंने कंपलसरी किया डेल की साइट पे, डेल कस्टमर केयर पे, जो रैम का मैक्सिमम एक्सपेंड है वो 2 स्लॉट है, और इसकी सपोर्टिंग जो रेंज है वो है 32 GB, तो 32 GB तक ही हम रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं और ये सपोर्ट करेगा और परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद अगर आपको 64 GB रैम चलानी है तो इसकी GTA एक नेक्स्ट जनरेशन आती है, जो लैपटॉप तकरीबन 1,40,000 से शुरू होती है। तो अभी हम नए नए यूट्यूबर हैं, हमारा थोड़ा बजट का इशू है, फिर भी हमने एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लिया है, 84,000 रुपये भी मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी ही रकम है अभी। तो अभी भी हमने इसको लिया था, लेकिन नॉर्मल रकम नहीं है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, इन फ्यूचर हम इससे भी बेटर और चीज़ें लेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। आज मेरा एक दूसरा वीडियो भी आएगा, हम ऑलरेडी HDFC बैंक का इंफिनिया कार्ड होल्ड कर रहे हैं, अभी ICICI बैंक से भी हम एलिजिबल हो गए हैं। ये कार्ड है सैपीरियो शायद ऐसा कुछ नाम है, वो आज हमें कॉरियर से रिसीव हुआ घर पे, तो अभी हम उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब, एंड दोस्तों आपके प्रेम और सपोर्ट की जरूरत है। तो थैंक यू एंड